हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं जिनके लिए अन्ना हजारे जैसे लोग उपवास रख रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो उपवास रखते हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को काट के फेंकना बहुत ज़रूरी है। उनको काटने के लिए, उनको तोड़ने के लिए सिंह साहब द ग्रेट। देखो वे कहते हैं कि साकी की हर नजर से बल खा के पी गया, मैं लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया, मैं पीता तो ना था जमाने में ऐ दोस्त, रोने लगी शराब तो तरस खा के पी गया। और इसी तरह से एक शख्स को इतना लगाव है शराब से कि उसके सर पे कफन डलता है, मगर रूह से आवाज आती है कि कफन में छुपाकर रख दे साकी, बैठ के कब्र में पिया करेंगे, जब खुदा हिसाब मांगेगा ना पी के दिया करेंगे। बस मुझे लगता है कि मेरी फिल्में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गदर हो, अपने हो, द हीरो हो सनी साहब के साथ, अब सिंह साहब भी आ रही है और मुझे उम्मीद है कि पिक्चर बहुत सही बनी है। मुझे तो बहुत सही लगती है, मुझे सही लगती है तो आपको भी सही लगती है, ये मैं जानता हूँ। पार्ट ऑफ सिंह साहब द ग्रेट, ये गाने के बारे में बताई दी होगा कि कैसे बना, कैसे हुआ सब कुछ, और आई एम सो हैप्पी कि 22 इयर्स के बाद लोग मुझसे पूछ रहे गाना गाया किसने, मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे मुझे मिले, वो मुझे कहते हैं सच्ची बोल कौन गा रहा है, सच्ची बोल किसने गाया, किसने गाया, बोल बोल बोल। Thank you so much for all your love, your appreciation, your blessings. This is my very first film, first debut film, Singh Saab the Great, which releases on 22nd November. So please go and watch the film. Thank you so much. हाँ, सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है तो उसकी हड्डियाँ तर 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 होने लगती है। Singh Saab the Great is the film about not revenge, it's about change. ये कहानी है, कलेक्टर की कहानी है, एक परिवार जिसका परिवार है, बहन है, भाई है, बीबी है, सब कुछ है, पूरा परिवार है, दोस्त है, वो किस तरह से आज के दौर में आज के करप्शन के खिलाफ लड़ता है, करप्शन जिससे हम सब कुछ सबको ही परेशान है, बस उसके खिलाफ ये कैसे जद्दोजहद करता है, ये कहानी है। ईस्टर्न यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में ये कहानी बसी हुई है एंड बाकी सब बातें 22 नवंबर को करेंगे जब आप देख के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सनी देओल साहब से मिलना चाहेंगे अभी? Yeah! मिलना चाहेंगे? Yeah! तो फिर 22 नवंबर को मिलिए थिएटर में। देखिए, हम लोग हमेशा तारीफ करते हैं अपनी फिल्म की कि ये अलग पिक्चर है, सबसे हट के है, फलाना है, मुझे काम करते बड़ा अच्छा लगा। मैंने 400 फिल्में की हैं, उसमें से ये एक मेरा एक परफेक्ट रोल जिसको कहते हैं, वो उसमें एक रोल है सनी साहब के साथ, और पिक्चर बहुत बढ़िया है, आपको मज़ा आएगा, एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज भी है, आप लोग एंजॉय करेंगे, ज़रूर देखिए। सनी देओल के संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और ही इज़ बीन सच अ ग्रेट को एक्टर, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे वो मेरे साथ, सो ही इज़ बीन वेरी सपोर्टिव एंड वी स्ट्राइक सच अ ग्रेट बैलेंस टुगेदर। इसमें देखिए ऑल एंड ऑल फैमिली एंटरटेनर फिल्म, एंटरटेनिंग फिल्म है, और यू विल गेट टू वॉच एवरीथिंग लाइक सनी जी एक्शन, ब्यूटी ऑफ रोमांस, लव और कॉमेडी, यू विल गेट ऑल द यू नो इट्स मसाला एंटरटेनिंग, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक एवरीवन कैन गो एंड वॉच द फिल्म ऑन थिएटर्स, सो इट्स वेरी गुड।
दर्शकों को बस ये बोलना चाहूँगी कि यू नो हम कन्विंस नहीं कर सकते उनको बिकॉज दे वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट दे नो विच फिल्म दे वॉन्ट टू वॉच तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते बट आई एम श्योर कि उनको ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर उनको पसंद आया है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म सिंग्स ऑफ द ग्रेट ऑन 22nd नवंबर